श्री राम समर्थ नवंबर 11 परमेश्वर की भक्ति का राजमार्ग। परमात्मा का परिचय जिसमें होता है वही ज्ञान। परमात्मा केवल ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अन्य ज्ञान केवल शब्द जाल है। भक्ति करने से ही उसे जाना जा सकता है। जैसे गाय आने पर उसके पीछे बछड़ा अपने आप आता है, उसे अलग से बुलाना नहीं पड़ता, वैसे भक्ति करने पर ज्ञान अपने आप पीछे आता है। अब यह देखे कि भक्ति कैसे की जाए। जो भगवान से विभक्त नहीं रहता वह भक्त। केवल शरीर को कष्ट देने से वैराग्य नहीं होता, तो जिस स्थिति में भगवान हमें रखे उसी स्थिति में हम प्रसन्न रहे, यही वैरागी होना है। वह यदि हमें सुख में रखता है तो हम अनासक्त होकर रहे तो काफी है। वैराग्य प्राप्त होने के लिए गृहस्थी नहीं छोड़नी पड़ती। साधु संत गृहस्थी छोड़कर नहीं रहते, बल्कि वे हमसे भी अधिक अच्छी गृहस्थी करते हैं, किंतु उनमें उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। अंतःकरण से जो आसक्ति रहित हो जाता है उसी को यथार्थ वैराग्य प्राप्त होता है। शरीर पर भस्म लपेट कर रहने से वैराग्य नहीं होता। देह को नसीब पर भगवान के भरोसे छोड़कर रहना ही वैराग्य है। किसी भी बात का मोह न करके जो स्थिति प्राप्त हो उसी में आनंद से रहना, यह ईश्वर की इच्छा मानना है। और जो इस तरह रहता है वह अपने आप ही भक्त हो जाता है। अब भक्त होने के लिए राजमार्ग है नामस्मरण करना। नामस्मरण पर विश्वास रखे और उसे विश्वास से करते रहे। गुरु ने जो नामस्मरण करने को कहा हो वही करते रहे और उसी में गुरु को देखे। ऐसा करने पर जो दिखाई देता है वह गुरु रूप ही दिखाई देता है। बढ़िया दीवान खाने में हो तो गुरु दिखाई देते हैं, और किसी गंदी जगह में हम हो तो गुरु दिखाई नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। इस तरह सर्वत्र गुरु का रूप दिखाई देने लगता है तो फिर बुरा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर बुरे को जगह ही नहीं रह जाती। नामस्मरण ही साधन है और साध्य भी वही है। दूसरा कोई कुछ भी कहे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नामस्मरण ही सत्य है। इस पर इतना विश्वास रखना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि संसार में नामस्मरण के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा विश्वास रोम रोम में भिज जाने पर भगवान कोई दूर नहीं रहता, लगता है हमारे पास ही है। गृहस्थी के प्रति जो आसक्ति है उसे वहां से हटाकर परमार्थ में लगाओ। परमार्थ कोई कठिन नहीं है। गुरु की अनन्य शरण जाने का अर्थ ही है अहम भाव मिटाना। अहंकार जड़ से नष्ट हुए बिना अनन्य शरण नहीं जा सकता। यह अहंकार गुरु के बताए हुए नामस्मरण करने से जाता है। अतः हमें निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। आज का मुख्य विचार, वैराग्य वृत्ति में होता है। भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष होना और किसी भी बात का लोभ न होना वैराग्य है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।